अपनी लाश की तरफ पड़ा हुआ। आजकल अमीर बनने का चस्का जुड़ गया है। बुआ मेरे मुंह को छुएगी नहीं। क्या हाल है मेरे ब्लॉग के चाहने वालों, आज है बहुत ही बढ़िया दिन। जैसे कि मैंने लास्ट वॉक में बताया था कि वो रैंडम ट्रिप जो मेरी गोवा की है वो आज ही है। मैं निकल रहा हूँ सोलो ट्रिप के लिए गोवा। तो भाई ये बहुत ही रैंडम प्लान बना था, लाइक मैं घर पे पड़ा हुआ था तो लाश की तरफ पड़ा हुआ था और एकदम से मेरे दिमाग में आया कि सारे दोस्त घूमने जा रखे हैं, मैं क्या करूं दिल्ली में। दिल्ली में एक तो मेरा दिमाग खप गया था, खप। तो मैंने डिसाइड किया ठीक है भाई, अब कहीं ना कहीं तो जाना ही है। तो मेरे पास दो तीन ऑप्शन थे, जैसलमेर, गोवा। और मैंने शायद पूछा भी था इंस्टाग्राम स्टोरीज में ना, तो लोगों ने बोला था मुझे, मैंने ब्लॉग में पूछा था या इंस्टाग्राम स्टोरीज में पूछा था, कहीं तो पूछा था। ठीक है, तो तुम लोगों ने बोला था गोवा जाने के लिए। फाइनली सोलो ट्रिप गोवा। की भाई फट रही है, बहुत नर्वस हूँ मैं ना। ऐसा बंदा हूँ कि मैं अकेले रह नहीं सकता, मेरे को चाहिए होता है कोई ना कोई साथ में बकवास करने के लिए ताकि टाइम कटता रहे। तो इस वजह से मेरी थोड़ी सी फट रही है अब, पता नहीं कैसा होगा। बट हाँ, एक तरफ थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी है कि सोलो ट्रिप, बचपन से ही हमेशा सपना होता है फिल्मों में, फिल्मों में देखते हैं कि भाई मेन हीरो निकल गया अपनी सोलो ट्रिप पे, तो वो मेन कैरेक्टर वाली एनर्जी लेके मैं निकलने वाला हूँ। 2 घंटे में फ्लाइट है और सामान वामान पैक हो चुका है और कुछ नहीं लिया मैंने जो मेरे हाथ में जो आया ना मैंने भर के ही मुँह ठूस दिया अंदर। और मेरा यही सीन है कि अगर मैं बोर हुआ ना एक दिन भी तो मैं वापस आ जाऊँगा, क्योंकि मुझे अपनी शांति ज़्यादा जरूरी है मजे करने से। लग रहा है कि शायद मेरे को मज़ा आएगा, अगर ना भी आए तो शायद एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि भाई तू अकेले जिंदगी में कभी नहीं घूम सकता, सबक मिल जाएगा। तो देखते हैं सबक मिलता है कि मज़ा आता है कि क्या मिलता है, बट रियली एक्साइटेड एंड चलते हैं बाकी यार, वेरी एक्साइटेड। तो भाई अपन निकल रहे हैं अब फ्लाइट पकड़ने के लिए और मेरी मम्मी को लग रहा है उधर आतंकवादी पकड़ लेंगे मुझे, मैं अकेला जा रहा हूँ। तो बोला तो तुमने, नहीं, ऐसे नहीं बोला तो तुमने आतंकवादी पकड़ लेंगे। तो भाई अपन लोग मेट्रो पे आ गए हैं और मेट्रो पे इससे है मैं बता देता हूँ, हमारा जो मेन उद्देश्य होने वाला है ना इस सोलो ट्रिप का वो ये रहेगा कि हम बजट ट्रेवल करें। ठीक है भाई, जितना कम खर्चा हो सकता है उतना कम खर्चा करेंगे और इसीलिए मैं होटल में भी नहीं रुक रहा, मैं हॉस्टल में रुक रहा हूँ एक। एंड अभी जैसे कैब लेनी, मेरे दिमाग में एकदम से आया कि कैब लेने की क्या जरूरत है जब मेट्रो से जा सकता हूँ, बजट। तो भाई अपने पुराने गलतियों से मैं एक चीज सीख चुका हूँ, ट्रैवल करते वक्त कैश निकाल लिया करो, बहुत जरूरी होता है। मैं हमेशा यही करता था कि कैश निकाल के नहीं जाता था और लग जाते थे मेरे, तो यहाँ पे थोड़ा सा कैश निकालते हैं फिर चलते हैं। और अब आएंगे कुछ मैंडेटरी ट्रैवल मॉन्टाज शॉट्स। चेक इन चुके हो गया है, मेरी फट रही थी कि मैं लेट ना हो जाऊंगा, फिर मैं वही बजट के चक्कर में ना कैब को ले नहीं रहा था। वहाँ पे T1 पे उतर के कर रहा था बस का वेट, जो यहाँ पे T3 तक छोड़ती है, वो बहुत लेट आए, मेरी जाए फटी कि भाई होगा नहीं होगा क्या होगा, बट ठीक है टाइम से पहुँच गया मैं, सही है। तो फालतू में ना ये 2-2 घंटे पहले आने की जरूरत नहीं है, आराम से आओगे ना 1 घंटे पहले भी तो भी सब काम हो जाएगा, मुझे ये तो पता लग गया है। वैसे एक नहीं लेकिन 1.5 घंटे पहले आ जाओगे ना हो जाएगा सारा काम। मेरे को आजकल अमीर बनने का चस्का जुड़ गया है, फालतू की जगहों पर आके गंदी काली कॉफ़ी पीता रहता हूँ। सोच रहा हूँ कल को अमीर बन जाऊँगा तो ये सब आदतें डालनी पड़ेंगी ना मुझे, तो आई एम जस्ट ट्राइंग पहले से ही। और बाय द वे मैं इसलिए भी डाल रहा हूँ कि यार गोवा में लोग कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, लोग शराब पीते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, मैंने सोच लिया है चाहे कुछ भी हो जाए मैं गोवा में कोई गंदी हरकत नहीं करूँगा, सिर्फ चाय या कॉफ़ी या नारियल पानी, बियर बुअर मेरे मुँह को छुएगी नहीं, मेरे मुँह को छुएगी नहीं। मेरी गलती नहीं है, ये गोवा की हवा ही ऐसी है, मेरी गलती नहीं है। तो यार थोड़ा रास्ता वस्ता भटक गए, हॉस्टल मिल ही नहीं रहा है जो बुक किया था उसके, भैया ये एक्सैक्ट सा हॉस्टल मिले बता तो इधर ही रहे हैं यार, मिल ही नहीं रहा है यार, गूगल मैप पे तो इधर ही दिखा रहा है, लेकिन इसको पता ही नहीं है क्या करूँ मैं। ओके सो दिस गाय जस्ट मेट मी एंड ही इज टेलिंग समथिंग अबाउट द हॉस्टल। सी एग्जैक्ट द हॉस्टल, लाइक यू गाइस आर डूइंग अ वेरी लाउजी जॉब यू फकर्स, इट्स बीन 3 इयर्स यू आर नॉट अपडेटिंग योर एड्रेस, लाइक इट इज द एग्जैक्ट स्पॉट वेयर पीपल आर स्ट्रैंडेड, आई हैव हेल्प 3 गर्ल्स 3 AM इन द नाइट बिकॉज दे लेफ्ट द टैक्सी बिकॉज द लोकेशन वाज हियर, प्लीज अपडेट योर एड्रेस इन फ्रंट ऑफ इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप अंजुना। You are really frustrated. The hostel? It's in front of Indian Oil Petrol Pump. Indian Oil Petrol Pump. Anjuna. तो भाई इधर पहुंच तो गया हूं लेकिन बहुत शेडी सी जगह लग रही है यहाँ पर। अच्छा अच्छा भाई। नहीं। तो कोई बंदा नहीं दिख रहा, लाइट भी नहीं है यार। भैया हेलो भाई, एक्सो एक्सो यही है,
ये कुत्ते काटते तो नहीं है स्ट्रेट देर? ओके 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 थैंक यू। शेडी सा जगह बना रखा, शेडी तो नहीं बट बहुत ही अंदर बना रखा है यार, लाइक रात में आया ना इंसान फट जाए। अच्छा म्यूजिक की आवाज आ गई भाई, चलो शांति। मेरी फट रही थी भाई बहुत बुरी, रात के अभी 2:30 बज रहे हैं। सो ऐसा कुछ रास्ता है हॉस्टल जाने के लिए, काफी अच्छा लग रहा है अब। वहां पर तो ऐसी फट रही थी मेरी कसम से। ठीक है, रूम तो ले लिया है मैंने हॉस्टल में, बट जितना चीप सोचा था उतना चीप है नहीं यार। सीजन का टाइम है अभी इस वजह से शायद, मतलब 6 बंदे एक ही रूम में रह रहे हैं एंड द प्राइस इज फकिंग 1200, महंगा है भाई। बट ठीक है भाई, तुम मैं फिर भी यही कहूँगा कि हॉस्टल में रुको, सीजन टाइम में भी भाई अगर इतना मिल रहा है तो बहुत है, वरना रूम्स तो मिल रहे हैं 4-5 हज़ार की। उमस तो बहुत है भाई, उमस तो बहुत है। मैं फालतू में गर्मी के कपड़े लो, सर्दी और सर्दी गर्मी पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, सर्दी के कपड़े ले आया यार, बहुत उमस है। तो यहाँ पे आती मेरे पसीना पसीना, ये तुम्हें दिख भी रहा होगा अंधेरे में, चिपचिपाहट है इतनी भैया, क्या बताएं यहाँ का मौसम समझ नहीं आ रहा हमें। तो आई गेस आज के लिए इतना ख़त्म करते हैं पहले दिन के लिए। ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ अभी सोने, 3:30 बज चुके और ऐसा खास अभी कोई माहौल बन नहीं रखा, सब बस 3 ग्रुप बैठे हैं अपने अपने दोस्तों के साथ, और अब मुझे इनको देख के अपने दोस्तों की याद आ रही है। आई होप कल का दिन थोड़ा मेरे लिए फ्रूटफुल हो, बट मुझे पता नहीं कितना फ्रूटफुल होगा क्योंकि जगह पता नहीं कौन से जंगलों में है। ठीक है, बट ठीक है देखते हैं भाई, करते हैं। एक तो मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती ना, गाड़ी ले लेता, कैसे मैं स्कूटी पे मैप देखूंगा, क्या करूंगा यार मैं, कोई ग्रुप से दोस्ती कर लूं, मैं कर तो सकता हूं, देखते हैं। चलो ओके बाय जी। तो आई होप आप सब, इधर देखूं इधर देखूं इधर इसमें देखता हूँ। तो आई होप आपको ये वाला जो पहला एपिसोड था ये अच्छा लगा, और अगली वाली जो सोलो ट्रिप है ना, मैं तुम्हें हिंट दे देता, हिंट क्या, मैं ये सीटियाँ खत्म होने के बाद ना तुम्हें, नहीं नहीं यार फिर तो तुम्हें पता लग जाएगा मैं कहाँ, मेरे साथ क्या सीन हुआ। लेकिन भाई मैं सच बता रहा हूँ, नेक्स्ट वाला जो है ना, मैं इतने बुरे फड्डे में फंसा था ना, चलो मैं हिंट दे देता हूँ थोड़ी सी, मैं एक अंधेरे जंगल में फंस गया था, खो गया था लिटरली, और जो वहाँ घने जंगल में, सॉरी अंधेरा नहीं घने जंगल में, और जो वहाँ मेरे साथ सीन हुए, जो मेरी फटी है लिटरली, मेरी जितनी फटी है ना तुम्हें उतना ही मज़ा आता है, तो तुम्हें बहुत मज़ा आने वाला है भाई साहब। मैं अब बहुत गंदा फंसा था उधर भाई, मतलब सोलो ट्रिप का पहले दिन ही मेरे साथ इतनी बड़ी चोरी थी। तो भाई स्टे ट्यून्ड, सेकंड एपिसोड मैं मोस्ट प्रोबेबली कल ही डाल दूंगा। ठीक है, तब तक तुम्हें पता क्या करना भाई, लाइक शेयर कमेंट, और अगर इस वाली वीडियो पे 500 कमेंट चाहिए, 500 कमेंट तुम यूं कर दोगे, मुझे पता है भाई तुम्हारा, तुम यूं कर दोगे 500 कमेंट पेल दो, और फटाफट कल मैं डाल दूंगा सेकंड एपिसोड। बहुत मज़ेदार है भाई, बहुत मज़ेदार, मेरी जो फटी थी ना, मैं क्योंकि हूँ तो छोटे आदमी, कहीं भी घुस जाता हूँ जंगलों वंगलों में, अब अकेली बुद्धि इतनी भरसती हूँ, कहीं भी घुस गया उसके बाद जो मेरे साथ हो मज़े आने वाले तुमको। तब तक खुश रहो, आबाद रहो, दिल्ली रहो, गाजियाबाद रहो भाई।